आज आप लोगों को एक नया रूल पढ़ाना है, सिक्स्थ रूल, जिसका नाम है रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। रूल ऑफ, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अंदर काम आएगा, हर बार इस रूल को अप्लाई नहीं करना। और नाम से ये भी जस्टिफाई हो रहा है कि जो वर्ड में लिखा हुआ है हम उससे उल्टा चलेंगे। देखो, बात मत कर बिल्कुल। लॉ के अंदर जितने भी वर्ड्स होते हैं, लिटरल कंस्ट्रक्शन से तुम्हें बता रहा हूँ कि उन्हें जनरली उनके ऑर्डिनरी सेंस से लेना होता है। और लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर वर्ड को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है। हम कभी भी वर्ड के विपरीत नहीं जा सकते। इसलिए लॉ में बोला जाता है कि जो एक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, उसी लैंग्वेज में लिखो, उसी तरीके से उसको कंस्ट्रू करो, ठीक है, दूसरे सब्जेक्ट की तरह नहीं। आज जैसे कोई, अगर जैसे बिजनेस है, बिजनेस में मैंने तुम्हें पढ़ा दिया भाई प्लानिंग इज़ यूनिवर्सल, तो तुमने पॉइंट याद कर लिया, प्लानिंग इज़ यूनिवर्सल। अब अंदर कुछ याद नहीं करना तुम लोगों को, तुम्हें समझ में आता है तो खुद की लैंग्वेज में लिखो। यहाँ पे तो क्या करते हो तुम, अंदर की भी चीज़ पढ़ते हो, खुद की लैंग्वेज जैसा कुछ होता ही नहीं है। हमेशा लॉ की लैंग्वेज, खुद की लैंग्वेज नहीं, लॉ की लैंग्वेज। तो हर वर्ड को इक्वल इंपॉर्टेंस देना होता है। लेकिन कई बार एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर वर्ड का जो एक्चुअल मीनिंग है उसे वो ना देकर अपोजिट मीनिंग लेके चलो। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में कब होता है ऐसा? जैसे अभी और है, और तो और एक तरीके से डिसजंक्टिव पार्टिकल है, दो वर्ड को अलग कर रहा है ये। और एंड जो है वो कंजस्टिव है, मतलब ये जोड़ने का काम कर रहा है, ये अलग कर रहा है, ये जोड़ रहा है। जैसे अभी मैं तुम्हें ये बोलूं कि कहीं किसी सिचुएशन में एंड है, तो एंड का क्या मतलब है कि ये दोनों चीजों को जोड़ने का काम कर रहा है, और का क्या मतलब है अलग अलग। जैसे एग्जांपल देते हैं, थोड़ी टैक्स रिवाइज करते हैं तुम्हारी। रेसिडेंशियल स्टेटस सबने पढ़ लिया, ठीक है, तो उसमें एक बेस्ट एग्जाम्पल है, आपको रेसिडेंट मानने के लिए क्या कंडीशन है? दो है। एक तो ये है कि अगर आप प्रीवियस ईयर में 180 दिन है, 182 है, अगर आप प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहे हो तो आप इस साल इंडिया के रेसिडेंट माने जाओगे, यही है। तो 182 डेज आप इंडिया में रहे हो, कब? प्रीवियस ईयर में। ये कंडीशन आपको पूरी करनी है। लेकिन सही बोला ना मैंने? Yes, करेक्ट करते रहे ना, मेरे को टैक्स नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती। अब 182 डेज है, कार्तिक है इधर देख, कार्तिक टू आ जाएगी नहीं तो। अब चुप रहे, एक कंडीशन और है तुम्हारी 60 डेज वाली, कि अगर आप 60 डेज इंडिया में रखते हो प्रीवियस ईयर में, लेकिन इसमें एंड भी है, एंड 65 डेज रुको, उसके 5 साल, 4 साल, 4 इयर्स, यही है। तो पिछले 4 सालों में तो आप कितने दिन रुके हो? 365 दिन। और एंड, सॉरी और नहीं, एंड प्रीवियस ईयर में कितने रुके हो? 60 दिन। तो आपको ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली पूरी करनी पड़ेगी। ये एक बेस्ट एग्जांपल है और एंड दोनों समझाने का। मतलब अगर आपने ये वाली पूरी कर ली तो फिर इससे कोई मतलब नहीं है, तो इन दोनों के बीच में और है, और ये वाली पूरी करी तो ये भी पूरी करनी पड़ेगी, दोनों पूरी करनी पड़ेगी, इन दोनों के बीच में एंड है। यहाँ एंड का मतलब एंड ही है और का मतलब और ही है, ठीक है। यहाँ आप एंड को और नहीं कर सकते, और को एंड नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम जगह पर आपको एंड को एंड से ही इंटरप्रेट करना है, और को और से ही करना है। मैं ये सब क्यों बता रहा हूं? हम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस का रूल पढ़ते पढ़ते नॉर्मल चीज भूल जाते हैं। बच्चा ये ना करे कि एंड को हमेशा और ही समझे, और को हमेशा एंड ही समझे। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर हमें वाकई में एंड को क्या समझना चाहिए, और को क्या समझना चाहिए, ताकि हम एक्ट के ऑब्जेक्ट को अचीव कर सके। वापस ऑब्जेक्ट आ गया, क्योंकि अगर हम एंड को एंड पढ़े तो एक्ट का ऑब्जेक्ट अचीव, और को और पढ़े तो एंड का ऑब्जेक्ट अचीव नहीं होगा, ठीक है। हमें और को एंड पढ़ना पड़ेगा, एंड को और पढ़ना पड़ेगा। एग्जांपल्स है ऐसे कुछ, ठीक है। हर लॉ को, हर रूल को उसके एग्जांपल से समझाया हम लोगों ने, इसमें भी समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, अगर आपने यहाँ पे बोला है कि आप पिछले साल 182 डेज रह गए इंडिया में, तो बस आप इस साल रेसिडेंट हो, फिर आपको दूसरी कंडीशन देखनी नहीं है।
लेकिन अगर आप 182 डेज पिछले साल इंडिया में नहीं रहे तो फिर हमें दूसरी पे आना पड़ेगा, ठीक है। फिर दूसरी में क्या देखेंगे, पिछले साल 60 दिन इंडिया में रहे हो, पिछले साल 60 दिन इंडिया में रहे हो तो एक कंडीशन पूरी हुई है अभी। अब पिछले 5 साल में 365 दिन पूरे हो रहे हैं, अब दोनों पूरी हो गई तो फिर आप इंडिया के रेसिडेंट हो। अगर आप 60 दिन पिछले साल इंडिया में नहीं रहे होते तो फिर 365 वाली देखनी नहीं है। अगर आप पिछले साल 60 दिन इंडिया में नहीं हो, बाहर ही रहे, कल भी नहीं आया था बाहर ही रहे, अभी तो रूल खत्म हो गया, समझ में भी नहीं आएगा, बाहर ही रहे, आ जा, छोड़ यार का रमजान में, आ भाई आ बैठ। ये दोनों कंडीशन एक साथ ही पूरी होनी चाहिए। अब कई बार हमें एंड को और इंटरप्रेट करना होता है, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, अभी ये महक है, ठीक है, इसके पापा ने इसको बोला है कि बेटा अब बहुत साल हो गए तेरे को मेरे को परेशान करते करते, अब किसी और को परेशान कर, तेरी शादी पक्की करनी है मेरे को, ठीक है। अबे वैसे भी ये तो पापा ने सोचा है, उसको तो हाँ करने दे, तो अभी परेशान मत हो। तो भाई इसके पापा ने सोच लिया कि भाई महक की शादी करानी है, ठीक है। तो इसको बोला कि बेटा तेरे पास 3 ऑप्शन है, 3 लड़के मैंने अपने हिसाब से सिलेक्ट किए हैं, तेरे को उसमें से सिलेक्ट करना है। 3 लड़के इसके पापा ने बोला, पपलू डब्लू एंड चपलू, ठीक है। अब यहाँ पर इसके पापा ने बोला पपलू टपलू एंड चपलू, तो एंड लगाने से कोई तीनों से शादी नहीं होगी इसकी। यहाँ पे एंड का इंटरप्रिटेशन किससे करना पड़ेगा आपको, बोलने में अलग ही आता है। लुक महक यू हैव 3 ऑप्शंस, पपलू डब्लू एंड चपलू, एंड और नहीं आया लाइन में, उसने एंड ही बोल दिया पापा ने, लेकिन शादी तो तीनों में से एक से ही होगी, एक से ही होगी, तीनों से नहीं होगी। यहाँ एंड का इंटरप्रिटेशन आपको किससे करना पड़ेगा, और से करना पड़ेगा। कई बार और का इंटरप्रिटेशन एंड से करना पड़ता है। कोई एग्जांपल है आपके पास जहाँ लिखा हुआ और है लेकिन उसको समझना एंड पड़ेगा? मैंने आपको स्मॉल कंपनी का एक एग्जांपल दिया था, कंपनी पढ़ाते वक्त वहाँ पर लिखा हुआ था कि आपका टर्नओवर इतना होना चाहिए और आपकी पेडअप कैपिटल इतनी होनी चाहिए, लेकिन एक्सप्लेनेशन में उन्होंने दोनों कंडीशन एक साथ पूरी होने पर स्मॉल कंपनी मानते हैं और में नहीं। दोनों में से अगर एक कंडीशन पूरी हुई तो फिर आपका पर्पज़ ही अचीव नहीं होगा। जैसे अगर मैंने ये लिख दिया कि आप स्मॉल कंपनी तब हो कि आपका पेड अप कैपिटल, सुनना बराबर, पेड अप कैपिटल या तो 20 लाख से कम हो, 20 लाख और लेस, और मैंने लिख दिया और आपका टर्नओवर 50 लाख से कम हो, ऐसे ही लिख रहा हूँ मैं ये, और मैंने कहा ये दोनों कंडीशन में बीच में और है। अब अगर मान लो आपका टर्नओवर 50 लाख से कम है, आपका टर्नओवर 40 लाख ही है, ठीक है, और आपका जो पेड अप कैपिटल है वो आपका 30 लाख है, कितना है 30 लाख, तो आप स्मॉल कंपनी हो गए? नहीं हो, नहीं हो, क्यों? दोनों कंडीशन पूरी नहीं हुई, ठीक है। तो दोनों पूरी होनी चाहिए ना, लेकिन एक तो पूरी हो गई ना, 50 लाख से तो कम है ना मेरा टर्नओवर, तो 50 लाख से कम है तो मैं स्मॉल कंपनी हूं ना, आपकी कंपनी, आपकी डेफिनेशन क्या बोलती है, या तो मेरा टर्नओवर 50 लाख से कम हो तो मेरा टर्नओवर तो 50 लाख से कम है, या पेड अप कैपिटल 20 लाख से कम हो तो मेरी पेड अप कैपिटल 20 लाख से कम नहीं है लेकिन टर्नओवर तो कम है ना, तो है ना, और दोनों में से एक कंडीशन तो पूरी हो रही है ना मेरी, तो मुझे स्मॉल कंपनी मानो, एक्ट का ऑब्जेक्ट अचीव नहीं होगा। अबे यहाँ तो 30 लाख थी, मान लो मेरी पेड अप कैपिटल 200 लाख होती तो 2 करोड़ होती तो मुझे स्मॉल मानते, रिवाइज वर्षा करो, चलो पेड अप कैपिटल तो मेरी 10 लाख ही होती क्योंकि मैंने कम पैसों में बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन मैं बन गया MBA वाला, टर्नओवर खूब बढ़िया मेरा, कैपिटल तो कम थी मेरी, ठीक है, फर्जी में चाय बना रहा हूँ और नाम चल गया बस, तो हवा चलनी चाहिए इंडिया में तो किसी भी चीज़ की, ठीक है, मगर चाय भी मैं ये देख के पीऊँगा MBA चाय वाला, ठीक है। थड़ी में चाय पीने का जो मज़ा है वो अपना अलग मज़ा है, मैं गया 2-3 बार नाम सुन के, मेरे को तो कोई इतना खास नहीं लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। हाँ, हमारे बाबू जी फेमस है, अब नाम दे देकर, नाम लैंड कर करके खूब सारा टर्नओवर कर लिया भाई साहब, ठीक है, टर्नओवर कर लिया 200 करोड़ का, कितना कर लिया 200 करोड़, अब मैं स्मॉल कंपनी हूँ
तुमने तो कहा दोनों में से एक पूरी होनी चाहिए। मेरा पेड अप कैपिटल तो 10 लाख ही है, तो आपने कहा 20 लाख से कम, तो मेरा पेड अप कैपिटल कम है, भले टर्नओवर ज्यादा है, तो दोनों में से एक। तो यहां और का इंटरप्रिटेशन एंड से होगा। तो कई बार और को एंड समझना होता है और एंड को और समझना होता है, लेकिन हर बार नहीं, हर बार और को और ही समझना है, एंड को एंड ही समझना है। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में एंड को और समझना है और को एंड समझना है। आपको ये चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए। लेकिन फिर बोलूंगा, अपनी लाइन रिपीट करूंगा, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस के चक्कर में हम नॉर्मल भूल जाते हैं, ठीक है। मतलब हम जब भी कोई लॉ पढ़ते हैं तो ज़्यादा दिमाग लगाने लग जाते हैं, यहाँ एंड का मतलब और तो नहीं है, ये वह पढ़ो को तुम्हारे लिए नहीं है ये रूल, ये जज के लिए होते हैं, तुम स्टूडेंट हो, स्टूडेंट ही रहना, जो लिखा हुआ है वहाँ उसको वैसे ही। मतलब हमने रूल क्या पढ़ लिए, हम इंटरप्रिटेशन करने लग जाते हैं, कंस्ट्रक्शन करने लग जाते हैं, ठीक है। अभी हमारी हद, हमारे लेवल के बियॉन्ड है, ये हमारे लिए हैवी नहीं है, ये सब कोर्ट के लिए है रूल, ये तो हमें नॉलेज के लिए पढ़ाए जाते हैं। हम ये स्मॉल कंपनी वाली चीज़ भी हमने पढ़ी थी पहले फाउंडेशन में, तो हमें याद रह गई, अदरवाइज हम तो वर्ड को वर्ड के हिसाब से ही समझते हैं, ठीक है। मतलब इस चैप्टर को उतना ही एप्लीकेबल रखना जितना इस चैप्टर में है, इस चैप्टर से जो ज्ञान लेके तुम निकलोगे उसे दूसरे लॉ और दूसरे एक्ट पे अप्लाई करने मत लग जाना घर बैठ के, लो आज तो गलतियां निकालते हैं, इसको तो लिटरल कंस्ट्रक्शन से पढ़ूंगा यार, इसमें तो ये तो ठीक है, इसको रीजनेबल से पढ़ूंगा, इसमें तो सेंसिबल मीनिंग ही नहीं निकल रहा, इसका पॉपुलर सेंस में ये मतलब होना चाहिए, फिर खुद की किताब लिख दो तुम लॉ की, ठीक है। तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस एक्सेप्शनल केसेस में लगते हैं, हर बार नहीं लगते। ऐसे ही मे और शैल, मे होता है डायरेक्टरी वॉलेंट्री, डायरेक्टरी वॉलेंट्री, करूंगा नहीं करूंगा मर्जी है मेरी, मे। तो किसी एक्ट में अगर मे लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो जो पार्टिकल यूज हो रहा है, जो वर्ड यूज हो रहा है, वो डायरेक्टरी है, आपके ऊपर छोड़ा है, वॉलेंट्री है, इट्स नॉट मैंडेटरी। बट अगर एक्ट में मस्ट या शैल यूज हो रहा है, मस्ट या शैल, इसका मतलब वो मैंडेटरी है, आपको उसे एज इट इज कंस्ट्रू करना पड़ेगा जैसा उसमें लिखा हुआ है, वो क्या है, मैंडेटरी फोर्स है, ठीक है, मैंडेटरी है। अब यहां पे भी उल्टा हो रहा है, कई बार शैल को मे समझो और मे को क्या समझो, शैल समझो, तभी आपको एक्ट का ऑब्जेक्ट अचीव होगा। ये सब याद रखना, ऑब्जेक्ट अचीव करने के लिए करूंगा, अपने मन से कुछ भी नहीं करूंगा। और फिर वापस आज ही के लेक्चर में तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, मे को नॉर्मली मे ही समझो, मस्ट को मस्ट और शैल को शैल ही समझो, उल्टा मत करो, उल्टा करो एक्सेप्शन केसेस। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इसका भी, अभी इसके एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं, जो तीन लड़कों के एग्जांपल दिए थे इसको, फोटो दिए थे इसको, पपलू चपलू टपलू, उसमें से चपलू पसंद आ गया इसको, इसे कहा पापा चपलू से करा दो शादी, बोला कब करना है, ठीक है, ठीक है, तो बोला कि भाई मैं 22 और 24 को फ्री हूँ। अच्छा देखो, इसमें भी देखो दो बातें बताता हूँ मैं आपको। अगर इसने ये बोला कि पापा मैं 22 और 25 को फ्री हूँ, 22 एंड 25 को मैं फ्री हूँ, बीच में मेरे पेपर है, तो 22 एंड 25 को मैं फ्री हूँ, तो यहाँ पे भी एंड का मतलब और से लेना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि अगर ये 22 एंड 25 को फ्री है तो दो बार शादी थोड़ी होगी, एक बार पपलू से एक बार चपलू से, शादी तो एक ही बार होगी, तो या तो 22 को होगी शादी या 25 को होगी, दोनों दिन नहीं होगी। तो यहाँ पे भी अगर इसने ये बोला ना कि पापा मैं 22 और 25 को फ्री हूँ, तो 22 को फ्री हो या 25 को फ्री हो, 22 को फ्री हो तो 22 को मैं फ्री नहीं हूँ तो फिर मैं शादी 25 को कराऊंगा, या 25 को कराऊंगा तो 22 को नहीं कराऊंगा। तो यहाँ पे भी अगर इसने एंड बोल दिया तो और नहीं लेना, और एंड बोल दिया तो उसका मतलब और ही लेना है। चलो अब शादी एक से पक्की हो गई, पपलू से चपलू से, ठीक है, अब कन्फर्म हो गया, मुहूर्त वहूर्त सब निकल गया, ठीक है। यहाँ पे इसने कहा कि पापा आई मे डिसाइड कि क्या पहनना है, ठीक है, जो भी है मैं देख लूँगी अपने हिसाब से, ठीक है। तो इसने जो कपड़ों के लिए मैं बोला या श्रृंगार के लिए ज्वेलरी के लिए मैं बोला, वहाँ उसका इंटरप्रिटेशन मस्त से होगा, मतलब ये अपने हिसाब से डिसाइड कर लेगी क्या पहनना है क्या नहीं, लेकिन कपड़े तो पहनने ही हैं, ठीक है, शादी की डेट तो डिसाइडेड ही है, ठीक है। अब चॉइस जो है वो किस चीज़ को लेकर है कि ये क्या सिलेक्ट करती है क्या सिलेक्ट नहीं करती, ठीक है।
तो मे का इंटरप्रिटेशन किससे होगा? मस से। और एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो कि कोई क्रिमिनल लॉ में या कोई दूसरे लॉ में ये वर्ड यूज हो रहा है कि पुलिस अगर चोर को देख ले चोरी करते हुए या ये है तो ही मे अरेस्ट हिम, लिखा हुआ है ही मे अरेस्ट हिम, ठीक है। अब वहाँ चोरी हो रही है, ठीक है, पुलिस वाला खड़ा हुआ है, ठीक है, बोल रहा है अबे पकड़ना, मे लिखा हुआ है, पकड़ेंगे पकड़ेंगे तो ठीक है, अभी कर लेने दो उसको, ठीक है, थोड़ी देर देखूंगा कितना चुराया है, अपना शेयर अच्छा निकलेगा तो पकड़ेंगे, नहीं तो नहीं पकड़ेंगे, ठीक है। तो मे का इंटरप्रिटेशन यहाँ किससे होगा? शैल से होगा। गलती से लिखाई में आ गया होगा मे, लेकिन आप तो शैल ही पढ़ना, पकड़ना है आपको, कॉमन सेंस यूज करो वहां पे, वहां मे को क्या मानो। अच्छा मान लो ये लिखा हुआ होता मे अरेस्ट एंड टेक एंड शैल टेक हिम इन हिज कस्टडी, तो मे के बाद फिर शैल आ गया, तो इधर ही शैल लगाओ, अरेस्ट एंड टेक हिम टू कस्टडी। वहां मे का मतलब ऐसा नहीं है पकड़ू या ना पकड़ू, मे का मतलब है क्राइम को आप देखो कि किस तरीके से हुआ है, ठीक है। उसके बाद कई बार ये होता है कि कंपाउंडेबल ऑफेंस है, बेलेबल ऑफेंस है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो मे लिख दिया होगा कि पकड़ने की ज़रूरत है या वार्निंग देके छोड़ना है या कुछ ऐसा है या कुछ ऐसा है, उस कॉन्टेक्स्ट में लिखा होगा। लेकिन आपको तो दिख ही रहा है चोरी हो ही रही है, अब तो पकड़ो उसे। वहाँ मे का इंटरप्रिटेशन बिल्कुल किससे करो? शैल से करो। तो कई बार मे को शैल पढ़ने के लिए आप आगे की लाइनें भी पढ़ो। आज कंपनीज एक्ट में अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है कि कंपनी में फाइल एनुअल रिटर्न विद इन 60 डेज ऑफ एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो क्या लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 60 दिन में एनुअल रिटर्न फाइल करना है। अब यहाँ मे लिखा हुआ है, लेकिन नीचे लिखा हुआ है कि कंपनी ने अगर एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया तो पर डे 1000 रुपये की पेनल्टी है। तो अब मे का मतलब शैल पढ़ो, क्योंकि अगर आपने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया तो 1000 रुपये की पेनल्टी है नीचे। तो यहाँ मे का इंटरप्रिटेशन किससे करो? शैल से करो। अगर नहीं करोगे तो पेनल्टी देनी पड़ेगी, और पेनल्टी है मतलब आपको पेनलाइज किया जा रहा है, पेनलाइज किया जा रहा है, तो वो डायरेक्टरी कैसे हो सकता है? वो तो मैंडेटरी है, फिर तो एनुअल रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा। तो मे का इंटरप्रिटेशन किससे करो? शैल से। ऐसे ही कई बार शैल का इंटरप्रिटेशन मे से किया जाता है। एग्जाम्पल है इसका, मे का इंटरप्रिटेशन किससे किया जाता है? शैल से किया जाता है। देखो मैक्सिमम जगह पर मे का मतलब मे है और मस्ट का मतलब मस्ट ही है, ठीक है। जैसे ये उल्टा वाला एग्जांपल ले कि जहाँ उसका जो मीनिंग होता है वो मीनिंग ही निकलता है, जैसे कि अपने जीएसटी एक्ट में, जीएसटी अभी नहीं पढ़ाना, अभी आपने जीएसटी में आप कंपोजिशन स्कीम पढ़ोगे। कंपोजिशन स्कीम में अगर आप कंपोजिशन स्कीम अडॉप्ट करते हो तो जितनी भी सेल हो रही है उसका 1% टैक्स देना है आपको लमसम। इनपुट विनपुट कुछ भी नहीं मिलेगी, कोई कैलकुलेशन नहीं, आप बता दो इतनी सेल हुई है और दे के चल दो, ठीक है। लेकिन इसमें लिखा हुआ है कंपोजिशन स्कीम में मे लिखा हुआ है, तो आपके ऊपर है आपको कंपोजिशन अडॉप्ट करना है कि नहीं भरना। आपको रेगुलर स्कीम से टैक्स भरना है तो रेगुलर से ही भरो। तो यहाँ मे का मतलब मे ही है, भरना हो तो भरो नहीं तो रेगुलर में आ जाओ, मे है। लेकिन मस्ट कहाँ लिखा हुआ है? कि आप जीएसटी का कलेक्शन करोगे और उसे सरकार को जमा कराओगे, ये मस्ट है। अगर यहां पे मे लिखा हुआ होता तो आप ये बोल देते कि भाई साहब सरकार से पब्लिक से कलेक्शन करके सरकार को जमा कराना है, हमने तो पब्लिक से कलेक्शन ही नहीं किया, ठीक है, तो हम सरकार को भी क्यों जमा कराए? मेरे पास तो 3-4 गरीब बच्चे आ गए थे, उनकी हालत देख के मुझे लगा मैं इनसे कैसे टैक्स लूँ, ये तो फीस ही बिल्कुल उसमें भर रहे हैं गरीबी में, तो तुम जाओ भाई जाओ जाओ। तो मैंने उनसे टैक्स भी नहीं लिया, जब मैंने उनसे लिया नहीं तो आपको जमा भी क्यों कराऊं? और वैसे भी तुमने तो मे लिखा है ना, तो वहाँ मे का मतलब मस्ट ही है, शैल है। टैक्स तो अगर आप पे लाइबिलिटी आ गई, आपका टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है जीएसटी में, तो आपको टैक्स जमा कराना ही पड़ेगा, भले आपने पब्लिक से लिया हो या ना लिया हो। वहाँ मे को आप शैल समझोगे, ये पढ़ाएंगे सर तुम्हें। अगर तुमने कलेक्शन नहीं किया ना कस्टमर से तो जीएसटी की लाइबिलिटी तुम्हारे पर्सनली आ जाएगी। जितनी भी फीस तुमने ली है ना वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मान लेते हैं। जैसे आज मुझे लगा कि ये बच्चा तो गरीब है, 30,000 की फीस है, मैंने तो ऑलरेडी इससे 18 लिए, 30 कहाँ लेता मैं इससे गरीब से, तो मैंने 18 ले ली। अब जब मैं उसे फीस ही कम ले रहा हूँ तो जीएसटी कहाँ लूँगा उससे, तो मैंने उसे माफ़ कर दी।
तो मैं सरकार को बोलूँ जब मैंने माफ़ कर दी तो आप भी माफ़ कर दो, तो बोलेंगे चल बे ये 118 की वैल्यू है, अब कितने की वैल्यू है 118, ये 100 नहीं है, इसमें 18% GST शामिल है और इंटू कर 18 से तो 18% जो आएगा वो GST है, तो तेरी फीस 15 ही बचेगी अब, ठीक है। सरकार को तो जमा कराना ही पड़ेगा, वहाँ मे का इंटरप्रिटेशन शेल से होगा, ठीक है। और कहीं पे अब हाँ एग्जांपल पे आते हैं, कोई एग्जांपल है जहाँ शेल का इंटरप्रिटेशन मे से हो, क्या बताओ? अच्छा एक और मे का एग्जांपल याद आया अभी, कंपनी मे बी फॉर्म फॉर लॉफुल पर्पस, ऐसा लिखा हुआ था ना, तो वहां मे का पर्पस क्या है, शेल, कंपनी शेल बी फॉर्म, मे बी फॉर्म फॉर लॉफुल पर्पस, मे बी तो अनलॉफुल के लिए भी खोल लेंगे, ठीक है। ड्रग्स और गांजा बेचना है, कंपनी खोल दो, ROC में रजिस्ट्रेशन के लिए डाल दिया, ठीक है। बोला पागल के बच्चे, पागल हुए क्या, लिखा है ड्रग्स गांजा बेचेंगे, आपने कहा ना मे बी फॉर्म फॉर लॉफुल पर्पस, सो मे बी फॉर्म फॉर अनलॉफुल पर्पस, ठीक है, तो हम अनलॉफुल के लिए, ठीक है, खोल सकते हो। तो इंटरप्रिटेशन, अब मे का मतलब वहां पे क्या निकाला जाएगा, शेल। हाँ वापस आते हैं, शेल का मे है, लिखा हुआ शेल है लेकिन करना मे है, लिखा हुआ शेल है लेकिन करना मे है, बहुत मुश्किल है इसके एग्जांपल ढूंढना। सुनो, किसी प्रोविजन में अगर मैंडेटरी है तो उसको मैंडेटरी ही कंस्ट्रीव किया जाता है, उसे ऑप्शनल कंस्ट्रीव नहीं किया जाता, ठीक है। अब मैं बताता हूँ उसका एक एग्जांपल, आप लोग पढ़ोगे कि असेसी अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स खुद निकाले, शेल सेल्फ असेसमेंट टैक्स खुद निकाले और खुद जमा कराए, शेल। लेकिन यहाँ पे शेल का इंटरप्रिटेशन मे से भी हो सकता है, कैसे, कि अगर मान लो आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स नहीं निकालना आ रहा है तो ऑब्वियसली वहाँ पे आप किसकी मदद लोगे, CA की, ठीक है। तो सेल्फ असेसमेंट, खुद असेसमेंट करो, तो सेल्फ का मतलब आपसे नहीं होगा असेसमेंट, कौन करता है खुद से, कोई नहीं करता। अब मेरे 3-4 दोस्त हैं, ठीक है, जो सैलरीड एम्प्लॉयड वाले हैं, तो उनको उनका तो TDS कट के आता है, तो मेरे 3 दोस्त ऐसे हैं जो इनकम टैक्स का रिटर्न मुझसे फाइल करवाते हैं। अब उनकी जो इनकम है वो भी 20-25 लाख रुपए के आसपास है ईयरली इनकम, तो अच्छी खासी इनकम है और TDS भी कट के आता है कंपनी से, तो फॉर्म 16 वगैरह सब मिलता है, सब कुछ कट के आता है, सब कुछ सेट होता है, बस जमाने का काम होता है, स्टिल वो अपने हाथ में नहीं लेते, वो बोलते कि यार तू रिटर्न भरने के 1000-1500 जो भी लेगा, 2000 रुपये लेगा, वो ठीक है, हम इतना कमा रहे हैं तो उसमें कोई इतनी वो नहीं है, लेकिन हम तू भर दे हमारा रिटर्न। लेकिन उनका रिटर्न इतना सिंपल है कि वो खुद भी भर सकते हैं। अब मेरा एक चिंदी दोस्त है, 4 है उसमें से एक वो है, वो खुद ही भर लेता है। ये 4 दोस्त मेरे कॉमर्स के नहीं है, साइंस के, ठीक है, तो साइंस के दोस्त हैं तो इनको कितना आइडिया नहीं है, लेकिन वो जो एक दोस्त है मेरा, उसको समझ आ गया कि इनकम टैक्स की साइट पे जाके इसको भरना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मेरी तो सारी इनकम सेट है। तो वहाँ से जो उनका फॉर्म सर्टिफिकेट निकल कर आता है ना, उसमें सब लिखा हुआ होता है, टैक्सेबल इनकम इतनी है, ये इतना है, ये इतना है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स तुम्हारा इतना बनेगा और रिफंड तुम्हारा इतना बनेगा, वो जो लिखा हुआ आता है ना वो उसको भर देता है, उस पर गया उसका रिटर्न, बरसों से खुद का रिटर्न खुद ही भेज रहा है, वो आ जाता है उसे, ठीक है। तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपको खुद ही करना होता है अपना असेसमेंट, लेकिन आप करते हो क्या खुद, किसी से करवाते हो, मस्ट को आप मे भी ले सकते हो, शेल को आप मे भी ले सकते हो, इनफैक्ट हियरिंग में भी अगर आपका केस फंस गया तो आप जाते हो इनकम टैक्स में कभी मिलने, नहीं जाते, कौन जाता है, आपका CA ही जाता है, अलाउड है वहां पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो कई बार मस्ट का इंटरप्रिटेशन किससे करना होता है, मे से। एक एग्जांपल और देता हूं, मान लो कहीं प्रोविजन में ये लिखा हुआ है कि कंपनी ये चीज फाइल करे शेल, ठीक है, और नीचे उस प्रोविजन में शेल लिखा हुआ है लेकिन नीचे अल्टरनेटिवली करके कोई और बात भी लिखी हुई है कि अल्टरनेटिवली नहीं फाइल करना हो तो ये भी कर सकते हो, तो इसका मतलब फिर वहाँ शेल का मतलब किससे निकालना, मे से। जैसे लिखा हुआ है ये रिटर्न फाइल करो और नीचे लिखा हुआ है अल्टरनेटली ये रिटर्न फाइल ना करो तो एक डिक्लेरेशन दे दो, तो फिर वहाँ पर रिटर्न का अल्टरनेटिव हो गया डिक्लेरेशन, रिटर्न फाइल मत करो सिर्फ एक डिक्लेरेशन दे दो, तो फिर इसका मतलब वहाँ शेल का इंटरप्रिटेशन किससे करो, मे से करो, समझे मेरे बच्चों। और एक और बात बताता हूँ इसी में, अगर कहीं प्रोविजन में कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है ये काम करो, शेल लिखा हुआ है, और नीचे उस काम को ना करने की कोई पेनल्टी, सजा, पनिशमेंट कुछ भी नहीं है,
तो आप वहां पे शेल का इंटरप्रिटेशन मे से कर सकते हो, अगर मैंडेटरी फोर्स नहीं है, आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं आ रही है, कोई तरह का आपको नुकसान नहीं पहुंच रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, ये सब आपको करना नहीं है। आप पहले जिस वर्ड का जो मतलब होता है वही निकालो। अगर एक्ट का ऑब्जेक्ट अचीव नहीं हो रहा है, एक्ट का ऑब्जेक्ट डिफीट हो रहा है, तो फिर आप ये रूल फॉलो करोगे, रूल ऑफ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। क्या है ये रूल ऑफ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस? समझे कि नहीं समझे? ठीक है, एक रूल और बताता हूं, फिर रीड करेंगे, ये वीडियो बंद कर दें।